हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने चले, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हाँ बिल्कुल, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने अभी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, अभी वो तो खत्म नहीं हुआ, आपने थर्ड चैप्टर स्टार्ट क्यों कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपके सिलेबस का 30% रिड्यूस कर दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से, जिसमें से आपका उसी में सेकेंड चैप्टर भी आता है। सेकंड चैप्टर अब आप लोगों को कंप्लीटली नहीं पढ़ना है पूरी तरीके से, ठीक है। पहला चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं जो आपके सिलेबस में है, दूसरा हमने पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट किया था, काफी हद तक हम लोग आगे तक पढ़ भी चुके थे, बट उसका यूज होगा अभी आप लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण तब, लेकिन अब उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले बच्चों चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आइए देखते हैं बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर भी है, और इस चैप्टर में काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, उनको हल कैसे किया जाता है, सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखो चैप्टर का नाम है दो चरों वाले, तो बच्चों सबसे पहले मैथ्स में हमें राशि पता होनी चाहिए। वैसे मैंने अभी आप लोगों को बहुपद में भी बताया था, फिर भी आप जानिए राशियाँ क्या होती हैं बच्चों, जिनको इंग्लिश में क्वांटिटीज कहा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों मैथ्स की, तो मैथ में जो राशियां होती हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, ध्यान सुनते चलिएगा बच्चों। एक को हम बोलते हैं चर राशि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों वेरिएबल्स, क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलते हैं। और दूसरी राशि जो होती है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि, अचर राशि, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट, ठीक है। देखो आगे चल के ये जो हमारी चर राशियाँ, इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक को बोलते हैं स्वतंत्र चर और एक को बोलते हैं परतंत्र चर, लेकिन अभी आपकी वो टेंथ के लेवल का नहीं है इसलिए वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, अभी बस इतने तक हम लोग समझेंगे। देखो बच्चों चर राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनका मान परिवर्तित रहता है, बदलता रहता, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इक्वेशन में उनकी वैल्यू चेंज होती, उसी को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। चर राशियाँ बोलते हैं इनको, जनरली हम एक्स से, वाई से, जेड से, आदि से प्रदर्शित करते हैं। अचर राशियाँ क्या होती हैं, जिनका मान बदले ना, फिक्स रहे, उसको हम बोलते हैं बच्चों अचर राशि। जैसे हमारा पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, कैपिटल जी है, ठीक है, जिसको आप लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और देखो जैसे कई सारी संख्याएं हैं, 5 हो गई, 4 हो गई, 3, अब ये सारी जो संख्याएं आपके सामने लिखी हैं बच्चों, इन संख्याओं का जो मान है वो पर्टिकुलर फिक्स है, उसके अलावा इसका और कोई मान नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की राशियों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अचर राशियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रयोग हुआ था दो चरों वाले, तो चर तो आप समझ में आ गया आपको ये होता है, इसका मतलब हम ऐसे समीकरण की बात करने चल रहे हैं बच्चों इसमें दो चर होंगे, ठीक है, कह रहे हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को समझने से पहले बच्चों सबसे पहले आप यह जानिए कि समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है बच्चों, हम लोग पहले समझते हैं समीकरण कहते किसे हैं। देखो बच्चों, जब चर एवं अचर राशियों का द्विपक्षीय संयोजन किया जाए उसी को हमेशा समीकरण कहा जाता है। मतलब जैसे मतलब बच्चों आप लिख दिए 5x + 4 = 7, अब देखो इसमें चर राशि अचर राशि उसमें द्विपक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो ये जो आपके सामने लिखा है बच्चों यही समीकरण है। अगर इसमें एक चर राशि है तो यह एक चर राशि वाला समीकरण है, दो चर राशि है तो दो चर राशि वाला समीकरण है। जैसे हमने मान लो बच्चों यहाँ पर लिख दिया x + y = 5, तो ये हो गया दो चरों वाला समीकरण ना। इसके अलावा एक डेफिनेशन और बताई जाती है, जैसे अभी आप लोगों ने बच्चों बहुपद को पढ़ा है तो बहुपद के आधार पर भी समीकरण की परिभाषा बताई जाती है। कहा जाता है कि जब हम किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमें प्राप्त होता है बच्चों उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है द्विघात बहुपद होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होता है बच्चों। जब इसको जीरो के इक्वल कर दो ना तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है। रैखिक बहुपद बच्चों किस रूप का होगा? ए एक्स प्लस बी के रूप का होगा। इसको जीरो के इक्वल जब आप लोग कर देंगे तो यह कौन सा समीकरण बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो बच्चों हमने आपको समीकरण की दो डेफिनेशन बताई, एक चर एवं अचर राशियों का जो द्विपक्षीय संयोजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। दूसरा हमने ये बताया बच्चों कि जब हम किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम समीकरण कहते हैं। अब जिस टाइप का वो बहुपद होगा उसी टाइप का वो समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग समझ गए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा, तो मतलब दो चर वाला समीकरण क्या होगा। अब उसमें एक वर्ड लगा हुआ है बच्चों, रैखिक, जिसको बोलते हैं लीनियर। तो आपको याद होगा, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, चतुर्घात बहुपद होता है। तो बच्चों ये रैखिक बहुपद होता क्या है, उसमें आपको सिखाया गया था कि ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद ना। तो सिंपल सी बात, ऐसे समीकरण में भी लगता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात हमेशा एक रहेगी वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब बच्चों अगर उसमें एक चर राशि है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, दो चर राशि है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा वो कहलाएगा। अब आइए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू फाइव, बोलो ये क्या है? रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर राशि की घात बच्चों हर जगह कितनी लगी है? एक लगी है। बताओ कितने यहां पे चर राशियां हैं? दो, इसलिए इसका नाम होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और देखो बच्चों जैसे हमने दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, बोलो बच्चों ये कैसा समीकरण है? सर द्विघात समीकरण है, जब दो घात लगे इसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कितनी राशि का है? एक ही चर राशि का है। क्लियर हो गई बात? सर x प्लस 11 इज इक्वल टू 9, ये कैसा समीकरण है? ये रैखिक समीकरण है। कैसा है? रैखिक समीकरण। बच्चों कितने चर राशियों वाला है? एक चर राशियों वाला रैखिक समीकरण है। अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में ऑलरेडी बच्चों आप लोग पढ़ चुके हो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। वहां पर कई सारे एग्जाम्पल आप लोग बनाया करते थे, समीकरण बनाया करते थे, उनका ग्राफ आप लोग क्लास 9 में भी बनाया करते थे, ठीक है। एक्स और वाई का अलग अलग मान निकाल करके उसको लेकर के कार्तीय तल पर हम लोग ले जा करके बनाते थे, तो हमें एक चरों वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ वहां पर प्राप्त होता था। तो ये तो क्लियर हो गया होगा बच्चों कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने जोड़ा। जैसे बच्चों लिख दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, अब ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो है, और क्लास 9th में बच्चों आप लोगों को सिखाया गया था कि यह जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है इसके कितने मान होते हैं? अनंत मान होते हैं। अनंत मान माने अनंत हल होते हैं। x और y के अलग अलग मान रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग समीकरण बच्चों वहाँ पर इसके समीकरण के अलग अलग हल प्राप्त कर सकते हैं, आपको बताया गया था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बच्चों अकेला यह समीकरण नहीं होगा, इसका युग्म होगा। इसे यहाँ पर लिख दिया x माइनस y इक्वल टू सपोज 1 लिख दिया गया। अब ये जो आपको एक जोड़ा दिख रहा है ये रैखिक समीकरणों का, ये बच्चों यह जो जोड़ा है इसी को बोला जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर हो गई बात ना? अब हम बात करते हैं बच्चों कि इस चैप्टर में हमें पर्टिकुलर पढ़ना क्या है। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाना सीखेंगे। देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9th में बनाया है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है और उसको बनाया है। क्लास 10th में आप लोगों को क्या करना है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाना है। मतलब इन दोनों के दोनों समीकरण का जो हम लोग आलेख बनाएंगे बच्चों वो एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में दिए गए दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना। कैसे हम लोग इसको हल करेंगे? किसको? दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे किया जाएगा? तो बच्चों दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कुल मिलाकर के मेनली दो विधियां होती हैं। एक होती है आलेखीय विधि, या जिसको हम कह सकते हैं ग्राफ विधि, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का आलेख खींचते हैं, उनका ग्राफ ड्रा करते हैं, और उस ग्राफ की सहायता से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उसका हल ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी विधि जो होती है बच्चों उसको बोलते हैं बीजगणितीय विधि।
विधि या इंग्लिश में उसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक मेथड। बीजगणितीय विधि में बच्चों हमारे सिलेबस में तीन विधियां हैं। नंबर पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि का नाम है बच्चों विलोपन विधि और तीसरी विधि का नाम है बच्चों वज्रगुणनखंड विधि। इतना आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, तो हर एक एक्सरसाइज में कुछ नया आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। अभी बच्चों आपको करना क्या है, देखो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है, सिंपल सा परिचय दिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का। आपको करना क्या है, अपनी कॉपी उठानी है, सबसे पहले उसमें लिखना है राशियां, चर राशियां। चर राशियां दो प्रकार की होंगी, उसका कुछ एग्जांपल लिख देंगे। फिर मैंने समीकरण की डेफिनेशन अभी आप लोगों को बताया कि समीकरण जो है वो चर एवं अचर राशियों का द्विपक्षीय संयोजन होता है। आप या ऐसे कह सकते हो, जब किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, समीकरण प्राप्त होता है। अगर वह बहुपद रैखिक रहा होगा तो रैखिक समीकरण बनेगा, अगर वह बहुपद द्विघात रहा होगा तो द्विघात समीकरण बनेगा, अगर उस बहुपद में एक चर राशि रही होगी तो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, और घात भी एक रही होगी तो, और दो चर होगा तो दो चर वाला समीकरण कहलाएगा। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एग्जांपल हमने दिखा दिया। अब आप लोग थोड़ा समझ लो बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है या व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म या व्यापक रूप होता है। बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हमने आपको ये बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, अब आप लोग समझ गए होंगे। अभी आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, एक छोटा सा टास्क देते हैं बच्चों, जो आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद करना है। क्या करना है बच्चों, क्लास नाइन्थ में जो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं था, चैप्टर नंबर 4 था शायद आप लोगों का, ठीक है, अभी चैप्टर नंबर 4 होगा, आप लोग देखेंगे उसको। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण उसमें पढ़े थे, उसको आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। उसमें जो ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, एक दो ग्राफ बना लेंगे तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, जब तब आपको बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग क्लास नाइन्थ वाला जो वर्क मैंने आपको दिया उसको आप लोग कंप्लीट करिए, कंप्लीट करने के बाद मेरे व्हाट्सअप नंबर पर उस वर्क को आप सेंड कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।